कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद शशि थरूर ने अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया दी और निराशाजनक ऐसा करार दिया। थरूर ने कहा कि सरकार ने बेरोजगारी और अन्य मुद्दों का अंतरिम बजट में कोई जिक्र नहीं किया है। देखिए आप भी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस वक्त हमारे साथ हैं, क्या प्रतिक्रिया है इस बजट को लेकर? देखिए, इस बजट में क्या थी, बहुत ज्यादा प्रेस रिलीज की जैसे बात किए हैं, प्रोपेगेंडा पब्लिसिटी, लेकिन असलियत में जो हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण विषय है उसको छुआ भी नहीं है। बेरोजगारी देखिए, 45% हमारे युवाओं की बेरोजगारी है हमारे देश में, उसके बारे में कुछ कहा, वो लफ्ज भी नहीं निकला उनके मुंह से बेरोजगारी के। आप देखिए कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गिरते जा रही है हमारे देश में। आप समझ लीजिए कि इस सरकार भाषण देने में अच्छे हैं, लेकिन जो काम करेंगे, आप कहते हैं कि GDP बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था का हाल किस पे किसके बेनिफिट कर रहे हैं? अमीरों के पास में शायद पैसे हैं, लेकिन हमारे जो आम आदमी हैं उनके जेब में क्या पैसे बढ़े हैं? ये आप दो तीन साल से आपको देखा है कि इन्फ्लेशन खाने की चीज़ों में इतना बढ़ गया है कि लोगों को ऐसे बाजार जाके ये नहीं खरीद सकते हैं जो दो साल पहले खरीदते थे। तो इस हाल में आप देख लीजिए कि अगर आप इसके बारे में ऐसा बोलना चाहेंगे तो लोग को पता है कि उनकी असलियत क्या है, उनके हाल क्या है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि सरकार मजबूत है और अगला बजट भी वही पेश करेंगे। लेकिन लोग हंसने लगे हमारे तरफ से। और ये अंतरिम बजट आया है उसके बाद प्रतिक्रिया दे रहे थे शशि थरूर और इसकी आलोचना कर रहे थे। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।